पिछले साल एक वर्ड काफी इस्तेमाल किया गया और फिर साल के आखिर में उसे वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर कर दिया गया। द वर्ड इज गैसलाइटिंग, जिसका मतलब अंग्रेजी में होता है टू मैनिपुलेट समवन यूजिंग साइकोलॉजिकल मेथड्स इनटू क्वेश्चनिंग देयर ओन सैनिटी और पावर्स ऑफ रीजनिंग। मतलब समझाएं तो जब किसी को उसकी रियलिटी से मैनिपुलेट किया जाए, जब किसी के सामने उसी की हकीकत झुटलाई जाए, उसे गैस लाइटिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने पार्टनर से कहें, यार मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, कांट इवन सेट, शायद गैस का दर्द उठ रहा है, और फिर पलट के वो कहें, ओह रबिश, यू आर नॉट हैप्पी विद मी, तुम्हें बस बहाने चाहिए माहौल खराब करने के, सब ठीक है, इट्स ऑल इन योर हेड, इट्स साइकोसोमैटिक, सो प्लीज स्टॉप ओवर रिएक्टिंग। बताइए, इस वक्त आपको कोई चाहिए जो आपको रियलिटी चेक दे दैट प्लीज लीव योर पार्टनर, दे आर सुपर टॉक्सिक। रियलिटी का मतलब है ट्रूथ, सच्चाई, कंडीशन, स्टेट, उर्दू में कहते हैं हकीकत। बड़ी अहम चीज है और इसी पर है आज का हमारा ये पॉडकास्ट। द क्विंट पर आप सुन रहे हैं उर्दू नामा, मैं हूं फबीहा सैयद। अंग्रेजी में कहते हैं हर्ट मी विद द ट्रूथ, डोंट कम्फर्ट मी विद अ लाई, अर्थात सच से पढ़े घाव झूठ के फाये से बेहतर होते हैं। सच और झूठ हो या फिर ख्वाब या हकीकत, दोनों में कॉमन है रियलिटी का स्कोप। ख्वाब पर हमारा लास्ट एपिसोड है जिसमें हमने ड्रीम्स के थीम को पोएट्री के हवाले से एक्सप्लोर किया, और आज हम बात कर रहे हैं हकीकत पर। बात आगे बढ़ाएंगे इससे पहले कुछ रोजमर्रा सुनी जाने वाली ऐसी बातें और चीजें पॉइंट आउट करूंगी जो हकीकत से करीब होती हैं, लेकिन जिन्हें हम हाउ रूड कहकर डिसमिस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको घूमने फिरने का शौक है लेकिन कोई घर में ऐसा मेंबर है जिसे आपकी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती, जब भी आप बाहर जाते हैं तैयार होकर एक न एक तल्ख बात आप पे मार दी जाती है। हाँ भाई, माशाल्लाह से 5 लाख की सैलरी है इनकी, तो हर 2 महीने में 1 हफ्ते की छुट्टी तो बनती ही है, बड़ी जबरदस्त पैसों की कद्र है, तनख्वाह आते ही पहले सोना ले लेते हैं हर महीने और फिर म्यूचुअल फंड्स में डाल देते हैं पैसे, अब बाकी जो बचे पैसे हैं वो भी इतने सारे, अब भला उसका कोई क्या करे, हर महीने 1 हफ्ते की छुट्टी तो बनती है ना, अगर पैसे खर्च ना करें छुट्टी में तो फिर बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ सड़ नहीं जाएगा। हाय, ऐसे जहर में डूबे ताने सुनकर ना मजा आ जाता है। ताना जो देता है उसकी इमेजिनेशन और जबान ताना मारते हुए इतनी कलरफुल कैसे हो जाती है आज तक समझ नहीं आया मेरे। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, बड़े बूढ़ों के मुंह से ताने जितने क्यूट लगते हैं उतने ही दे शुड मेक यू एनालाइज द कंटेंट एंड इंटेंट बिहाइंड द टॉन्ट। फाइनेंशियल प्लानिंग का रूल है फालतू चीजें जैसे फ्रीक्वेंट और एक्सपेंसिव ट्रेवल्स, फ्रीक्वेंट और एक्सपेंसिव मील्स, फ्रीक्वेंट और एक्सपेंसिव शॉपिंग, ये चीजें एक क्विक एंड श्योर शॉर्ट तरीका है तेजी से गरीब होने का। लेकिन जैसे कि अभी एक ताने का उदाहरण आपको दिया, अगर सैलरी 5 लाख है महीने की तब ये सारी फ्रीक्वेंट एंड एक्सपेंसिव इंडल्जेंसेस अफोर्ड शायद कर ली जाएं, लेकिन अगर नहीं है तो हाथ खींच कर खर्च करना शुड बी द रियलिटी। खैर, हकीकत का दूसरा नाम ही है अपनी नफ्स पे काबू पाना और अपनी गैर जरूरी और कई बार जरूरी ख्वाहिशात को भी मारना। लेकिन उर्दू शायरी में शायर की बस एक मासूम सी ख्वाहिश होती है जिसे वो अपनी हकीकत समझ बैठता है, जैसे मिर्जा गालिब का ये शेर। अभी नहीं सुनाऊंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद सी यू ऑन द अदर साइड। ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपसे वायदा किया था कि मिर्जा गालिब का आपको एक शेर सुनाऊंगी, एक नहीं दो, हकीकत पर। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हकीकत इंसान की इंसान को अगर पता ना भी हो तो उसका अंदाजा तो चल ही जाता है। वो बात अलग है, हम अपने आप को कहानियां बहुत सारी बताते रहते हैं, अगर कहानियां ना बताएं, दिल ना बहलाएं, झूठ ना बहकाएं, तो कई बार हकीकत इतनी जानलेवा होती है
सबके बीमार डाल देती है, अच्छे अच्छों को बीमार डाल देती है। तो ऐसे में क्या किया जाए, उसकी भी रेमेडी है, थोड़ी देर में वो भी बताएंगे। लेकिन पहले मेला राम वफा का ये शेर सुनिए, जिनके लिए हकीकत उनके महबूब की तरफ से आती हुई मुस्कुराहट के अलावा कुछ नहीं है। लिखते हैं, एक बार उसने मुझको देखा था मुस्कुराकर, एक बार उसने मुझको देखा था मुस्कुराकर, इतनी तो है हकीकत, बाकी कहानियां हैं। हर चीज की हकीकत देखने बैठेंगे तो अलग अलग कहानियां आपको दिखेंगी। मिसाल के तौर पे साहिर लुधियानवी को आंखों की हकीकत, इन तीन अशार में, तीन तो नहीं है बाकायदा गजल थी, सिर्फ चुन के आपके लिए तीन अशार लेकर आई हूँ, उसमें बयान कर रहे हैं। लिखते हैं, हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें, शबनम कभी शोला कभी तूफान है आंखें, आंखें ही मिलाती है जमाने में दिलों को, अनजान है हम तुम अगर अनजान है आंखें, लब कुछ भी कहें इससे हकीकत नहीं खुलती, इंसान से सच झूठ की पहचान है आंखें। आंखें सब कुछ बोल देती हैं। बहुत बचपन से हमने ये ट्रेनिंग ले रखी है। हमारे घर में गेस्ट्स आते थे, हमारी अम्मा जबान से कुछ नहीं बोलती थी, सिर्फ एक डेथ स्केयर देती थी, इतने जोर से हमें घूरती थी और हम समझ जाया करते थे कि रोटी को रखने के लिए हमको वो कड़े हुए लखनवी रोटी दान निकालनी चाहिए, प्रिंटेड रोटी का कपड़ा नहीं चाहिए, एम्ब्रॉयडर्ड चाहिए। अल्लाह का शुक्र फिर ये हुआ कि हम बड़े हो गए और हमारी अम्मी बूढ़ी अब नहीं करती है घूरना घुराना, कहते ना जोर ढल गया। I'm so sorry, I should not be talking about my mother like this, but yeah, this happened. Okay. अपने बारे में जानना यानी खुद की रियलिटी पता होना भी एक नेमत होती है। अपनी हकीकत का अंदाजा जब हो जाएगा तब कई सारी मुश्किलें आपकी यूं ही खत्म हो जाएंगी। कोई फालतू फिजूल की एक्सपेक्टेशंस आप खुद से लगाएंगे ही नहीं, और जब फॉल्स होप्स नहीं रखेंगे खुद से तो फिर हार्ट ब्रेक भी नहीं होगा। अब जब अपने लिए इतनी समझदारी का आप मुजाहरा दे रहे हैं तो फिर दूसरों के लिए भी तो ही होना चाहिए। दूसरों से इतनी एक्सपेक्टेशंस क्यों, फॉल्स होप्स क्यों, व्हाई डू यू कीप ब्रेकिंग योर हार्ट। एनीवे, सेल्फ रियलाइजेशन पर मुनीर नियाजी की बहुत जबरदस्त नज्म है और ये बहुत फेमस भी है, वायरल हुई थी ये वीडियो उनकी। खैर, इस नज्म का उनवान है, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। लिखते हैं, हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मदद करनी हो उसकी यार की, ढारस बंधाना हो, बहुत देरी न रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में। ट्रूथ हर्ट्स, लेकिन हकीकत की तलखी से भागेंगे तो हमेशा झूठ ही जीते रहेंगे। झूठ की जिंदगी तो कोई भी नहीं जीना चाहता, इसीलिए हकीकत कितनी ही भयानक क्यों ना हो उसे एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। और एक्सेप्टेंस का पहला रूल, खौफ को उखाड़ फेंकना है, डरना बंद करना है। बिल्कुल वैसे जैसे मोहसिन नकवी की ये नज्म, जिसमें वो कहते हैं, मुझे अब डर नहीं लगता। हाउ लिबरेटिंग। पढ़ती हूँ मैं, हाँ गौर से सुनिएगा। लिखते हैं, किसी के दूर जाने से, ताल्लुक टूट जाने से, किसी के मान जाने से, किसी के रूठ जाने से, मुझे अब डर नहीं लगता। किसी को आजमाने से, किसी के आजमाने से, किसी को आजमाने से, किसी के आजमाने से, किसी को याद रखने से, किसी को भूल जाने से, मुझे अब डर नहीं लगता।
किसी को छोड़ देने से, किसी के छोड़ देने से, न शमा को जलाने से, न शमा को बुझाने से मुझे अब डर नहीं लगता। अकेले मुस्कुराने से, कभी आंसू बहाने से, न इस सारे जमाने से हकीकत से फसाने से मुझे अब डर नहीं लगता। किसी की ना रसाई से, किसी की पारसाई से, किसी की बेवफाई से, किसी दुख इंतहाई से मुझे अब डर नहीं लगता। न तो इस पार रहने से, न तो उस पार रहने से, न अपनी जिंदगानी से, न एक दिन मौत आने से मुझे अब डर नहीं लगता। और एक बार जब दिल से डर निकल जाए, तब जो सच है, जो रियलिटी है, वो ही दिखेगी, चाहे कितनी नागवार क्यों ना हो, चाहे कितनी ही दुश्वारी ही क्यों ना हो। जैसे जावेद साहब की नज़्म दुश्वारी लिखते हैं, मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, मगर भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भूलूं, कि तुम तो फिर भी हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं, यहां तो दिल का ये आलम है, क्या कहूं, कमबख्त भुला ना पाया वो सिलसिला जो था ही नहीं, वो एक ख्याल जो आवाज तक गया ही नहीं, वो एक बात जो मैं कह नहीं सका तुमसे, वो एक रब्त जो हम में कभी रहा ही नहीं, मुझे है याद वो सब जो कभी हुआ ही नहीं। उर्दू शायरी या किसी भी तरह की शायरी, कहा जाता है कि हकीकत से हमें एकदम परे कर देती है, हटा देती है, लेकिन शायरी को मैच्योरिटी और प्रैग्मैटिज्म के साथ अगर पढ़ा जाए तो भी समझ आता है कि पोएट्री होल्ड्स अ मिरर टू ह्यूमन इमोशंस एंड आवर इमोशंस आर आवर हकीकत, रियलिटी, ट्रूथ। हाई फंक्शनिंग इंडिविजुअल्स के लिए हकीकत पसंदी एक बहुत अट्रैक्टिव चीज होती है। इसी नोट पर ये पॉडकास्ट यही खत्म कर रही हूँ मैं। अगले हफ्ते का मेन्यू रहेगा जिंदगी की ऐसी हकीकत जो वक्त के साथ ढल जाती है, लेकिन जब वो शबाब पे होती है वो हकीकत, तो हर नामुमकिन चीज मुमकिन लगती है। मैं किसकी बात कर रही हूँ? अगर आप समझ चुके हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज जरूर करिए और बताइए कि अगले हफ्ते का थीम हमने क्या तय किया है। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुदा हाफिज़। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।